दोस्तों स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं राहुल, ये है मेरी बात शिवानी। तो दोस्तों इस समय हम लोग जा रहे हैं किसी काम से और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रिलायंस का पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं और यहीं पे रुके हैं पेट्रोल रिफिल कराने के लिए। और बहुत लंबी लाइन है यहाँ, देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल के लिए। जिंदगी की तलाश पहुँच के इतने पास क्या करे बुरा, जिंदगी की तला। पीछे देख सकते हैं नैनीताल रोड है, ये जा रहा है रोड सीधे नैनीताल को। जिंदगी की तलाश में हम मौत के। ये देखो नया घर बन रहा है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नई घर प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ नए घर बन रहे हैं। नया कैसा तो बस नया ले लो, वो बनाओ नहीं अपने आप बना कैसा तो जाओ। नहीं ये अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे नहीं छोटा नहीं बड़ा है, सही है। हाँ अच्छा नया, अलग अलग सब अपना अपना अलग अलग। हाँ हाँ सही कह रही है। दोस्तों यहाँ पे एल्डेको का नया जो प्लान है, नया जो साइट है एल्डेको की साइट, जो बरेली की साइट है, देख सकते हैं पीछे रिलायंस के पेट्रोल पंप के पीछे एल्डेको की साइट है यहाँ पे। और यहाँ पे नए घरों की प्लॉटिंग हो रही है, नए नए घर बिक रहे हैं यहाँ पे। और आपका नहीं बन रहा है ना, आपका नहीं बन रहा है, हमारा अपना पर्सनल है ना। तो बाबू तंग आए एक स्पेशल जगह पे, आपको बताएंगे कहाँ पे आए। लिफ्ट में है, तो देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं इसमें बाबू को दिखाने, चेकअप वैक्सीन सब कुछ कराने। दोस्तों बाबू का चेकअप कराने आए थे, बाबू को एक वैक्सीन लगनी थी और उसी के लिए आए थे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल में आए हुए हम लोग। देख सकते हैं कुछ हॉस्पिटल के ऐसे हैं नज़ारे, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है इस हॉस्पिटल की। और ये श्री राम मूर्ति स्मारक है, बरेली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और ये पीडियाट्रिक विभाग है, यानी कि छोटे बच्चों का जहाँ पे इलाज होता है वहाँ पे है हम लोग। और बाबू का वैक्सीन लगा है, बाबू अभी पी रहे हैं अपनी मम्मी का दूध, बाबू अपनी मम्मी के पास हैं। और बाबू अभी थोड़ी देर में आएंगे, हम लोग अब घर जाएंगे। बाबू का वैक्सीन लग चुका है, बाबू को दवाई मिल चुका है, हम लोग जाएंगे अभी घर। तो दोस्तों यही है आज का सीन और जाएंगे घर, जा रहे बाबू का काफी तेज है। तेरे संजो रिश्ता बन गए आठ बाय आठ का कमरा है, लिफ्ट नहीं। दवाई वैक्सीन सब हो चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग घर। और बाबू का दवाई जो है ले चुके हैं हम लोग। और ये हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो अब यहाँ से दवाई ले ली है, वैक्सीन लग गई, अब जा रहे हैं घर। भूख लगी खाते हैं चलते हैं फिर। सिंदूर खाओगी, सिंदूर खाओ सकते हैं। बाबू का दवाई अभी ले लिया है, अब जा रहे हैं घर। और यहीं पे बाबू का दवाई ले लिया है भाई। ए बाबू उठो, उठो। चलो भैया चल, समोसे टाइम हो, टाइम हो गया थोड़ा। हाँ
हैं कलम? हाँ भैया आए। कैसे हैं? बहुत पहले आए। हाँ हाँ ठीक है, खट्टी होनी चाहिए भैया। तो दोस्तों इस समय हैं हम भोजीपुरा के स्टेशन के बाहर। ये भैया के समोसे बहुत फेमस है यहाँ। बहुत पहले आए थे भैया की दुकान पे, तो काफ़ी अच्छे समोसे थे। मुझे यहाँ भी स्वाद भैया के समोसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा आदर्श, आदर्श भाई हैं, इनके गर्म समोसे हैं भोजपुरा स्टेशन के बाहर, और काफ़ी फेमस है भाई, काफ़ी अच्छे बनाते हैं समोसे। कैसा है समोसा? समोसा काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आलू का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है भैया का, और काफ़ी अच्छे समोसे हैं। देख सकते हैं लोकेशन कुछ ये है, भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर हैं हम लोग। जो समोसा कैसा लग रहा है? समोसा अच्छा लग रहा है? समोसा खा रहे आराम से खा रहे? चटनी कैसा है? चटनी कैसा मस्त है दोस्तों। देख सकते हैं भोजीपुरा स्टेशन के बाहर ये भैया का स्टॉल है, काफ़ी अच्छा समोसा बनाते हैं भैया। भैया से एक मिर्चा मांगा है, मिर्चा टेस्ट करेंगे भैया क्या था। देख सकते हैं इस समय हम लोग लोकल मार्केट में आए हुए हैं, यहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आए हुए हैं, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा। ये गांव का मार्केट है भोजपुरा गांव का मार्केट, और वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह का मसाला है, हल्दी। दोस्तों इस समय हम लोग यहाँ के लोकल मार्केट माँ बता दो, तो हम लोग यहाँ के लोकल मार्केट में आए हुए हैं, और यहाँ का लोग कैसा लग रहा है तुमको मार्केट? अच्छा लग रहा है। यहाँ का लोकल मार्केट है देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का लोकल मार्केट है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मार्केट, और गांव का मार्केट है, और यहाँ सब कुछ मिल रहा है, सब्जी है, फिश है, नॉनवेज का भी आइटम देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। देखते हैं हम लोग यहाँ फिश मार्केट के जगह पे आए हैं, देख सकते हैं फिश मार्केट में ये क्या पेकर है इधर जिंदा है, देखो देख सकते हैं ये बड़ी वाली मछली है। क्या भाई क्या रेट छोटी वाली? 80 के थोड़ी बड़ी है, एकदम जो बारीक आती बित्ते वाली एकदम छोटी छोटी वो नहीं है। इसमें इसमें साफ करना पड़ेगा ज़्यादा यार, पेटी वेटी निकालनी पड़ेगी इसमें से। अच्छा देख सकते हैं इधर, ए शिवानी, ए शिवानी, ए अच्छा तुम खुले लहसुन क्या हो भैया? लहसुन देख सकते हैं मेरे भाई जो है लहसुन निकाल रहे हैं अभी। क्या नाम है भैया आपका? हाँ विजय नाम है। तो ये भोजपुरा की मार्केट में अपनी ये दुकान लगा है, ये कौन सा इलाका है जहाँ आपका ये मार्केट लगा है? हाँ धोरिया बोलते हैं, धोरिया मार्केट। ये लगता है आपका शनिवार को और बुधवार को? शनिवार मंगलवार का मंगलवार आज तो शनिवार है, आज भी लगा है मार्केट? मंगल को भी लगेगा। अच्छा 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 चलो बढ़िया है। तो भैया ने लहसुन दिया है 10 का पाव, चलो भैया रेट भी बढ़िया है तुम्हारा। सकते हैं इसमें मार्केट में हम लोग अभी पीछे फिश मार्केट में थे, फिश लिया है, मछली अच्छा लग रहा है, मछली खाने का इसका मूड नहीं है। हाँ भैया यहाँ का लोकल मार्केट जहाँ पे गुड़ मिल रहा है, ये बाबा हैं। बाबा आपका नाम क्या होगा? अच्छा कब से बेचे हैं यहाँ पे गुड़? अच्छा कितना साल हो गया लगभग?
अच्छा तो भी बाबा हैं इतने पुराने बाबा यहाँ पे बहुत सालों से गुड़ बेच रहे हैं, काफ़ी अच्छा गुड़ है यहाँ दोस्तों। गुड़ का मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा यहाँ पे, और ये देखिए एकदम अच्छी ब्रांड का देसी गुड़ है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव कोई भी कलर ऐड नहीं है। अच्छा अच्छा थैंक यू मैडम। तो ये कैसा गुड़ है बाबा? अच्छा मसाले का, मतलब है दोनों यही चीज़, मतलब इसमें मसाला जोड़ दिया गया है। अच्छा इसमें ये फिल्टर किया हुआ साफ वाला गुड़ है, ये देख सकते हैं आपको जिसको खाना है बिल्कुल एकदम देसी गुड़, तो ये वाला गुड़ ले सकता है। ये मसाले वाला गुड़ है, हर वैरायटी गुड़ है बाबा के पास, तो आप चाहें तो आके ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी दुकान है, देख सकते हैं बाबा की। इधर देखो बाबा इधर। दोस्तों इस समय हम लोग हैं नैनीताल हाईवे पे, और हमारी वाइफ है बाबू जीना है। अरे बुरा है मत कर, क्या है खराब कोई कोई वो तू तुमको बोले, अरे वो देखने में अच्छा है लेकिन वो खराब। हाँ सही बोल, बोले बोले। तो दोस्तों जो चीज़ जितनी अच्छी दिखाई दे जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो, और अभी हम लोग गुड़ खरीदते थे तो उन्हें जो वहाँ पे जो शॉपकीपर था उन्होंने बताया कि जो चमकने वाला गुड़ होता है उसमें जो प्रिजर्वेटिव और कलर और कुछ हार्मफुल केमिकल ऐड होते हैं कि इससे गुड़ साफ हो जाता है, लेकिन वो गुड़ हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए, और जो हल्का मटमैला रंग का दिखता है वो गुड़ हमें खरीदना चाहिए। तो हमेशा जो अच्छा दिखता है वो अच्छा हमेशा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, जिंदगी आदमी एक खिलौना है। दोस्तों ना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, हर ख्वाब यही तो सलोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। तेरी यादों के एक पल जीना है मुश्किल, कैसे कह दूँ तुझको मेरा चाहे मेरा दिल, अपनी एक तस्वीर लिफाफे पत्थर भिजवा दो, मैं तुम मिलने आऊँगी समझा दो, तुम कितनी सीधी हो, तुम कितने सच्चे हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितने सच। दोस्तों इस समय हम लोग काम हो गया, अब जा रहे हैं घर, भूख लग रहा है बहुत तेजी से। दोस्तों आग में कीड़ा चला गया था, गाना बंद हो गया था, अब जा रहे हैं घर।